श्री अकाल तख्त साहब के वालों अज बेहद वड्डे ले गए फैसलों की सब तो पहला वड्डी खबर है रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले जुड़ी हुई। रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले ते श्री अकाल तख्त साहब के वालों एक सख्त फैसला सुनाया गया है। बेहद सख्त फैसला ढड्डरियां वाले वालों कराए जाते समागमों पर पूर्ण पाबंदी लाने के आदेश श्री अकाल तख्त साहब के वालों दे दिए गए ने। साफ तौर पर कह दिया गया कि जब तक अपनियां गलत बयानियां दे लई ढड्डरियां वाले माफ़ी नहीं मंगते उदों तक उन्होंने समागम नहीं होंगे। विद्वाना की सब कमेटी की जांच रिपोर्ट में ढड्डरियां वाले ते जिहड़े गलत बयानी के इल्जाम लगे सन वो साबित होए ने। यह भी कहा गया जे समागम फिर भी उस ढड्डरियां वाले ने करवाए तो समागमों दौरान कोई अनसुखावी घटना के लिए खुद ढड्डरियां वाला जिम्मेवार होएगा। तो नाल ही संगत नूं भी अपील की गई है कि ढड्डरियां वाले नूं ना सुनिया जाए ना ही वीडियो सांझियां कीतियां जाण। तो यह भी कहा गया बड़े सख्त शब्दों में कि जे ढड्डरियां वाला बाज नहीं आया तो सख्त कार्रवाई होएगी। अज पंच सिंह साहिबान की बैठक हुई सी तो रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले के इल्ज़ाम की ने, इल्ज़ाम ने गुरु साहिबाना बारे गलत बयानी करन दे, होर की इल्ज़ाम ने सिख इतिहास नाल छेड़छाड़ करन दे इल्ज़ाम ने रणजीत सिंह ढड्डरियां वाले ते, इल्ज़ाम ने गुरमत का गलत प्रचार करन दे भी। ये सारे इल्ज़ाम जिहड़े ने उह सही पाए गए ने, संगत नूं गुमराह करन दे इल्ज़ाम ने। ते नाल ही वड्डा इल्ज़ाम यह भी है कि वार वार बुलाया भी गया सी, दो वार श्री अकाल तख्त साहब विखे सद्दे जाण दे आदेशां दी नाफरमानी भी ढड्डरियां वाले वल्लों कीती गई है। तो नाल ही एक वड्डा बयान जिहड़ा आया श्री अकाल तख्त साहब दे वल्लों पावन सरूप गायब होने के मामले ते। जी हाँ, पावन सरूप गायब होने के मामले ते श्री अकाल तख्त साहब दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया। जांच रिपोर्ट जिहड़ी है वह कल सौंपी गई सी जथेदार साहब नूं, ते अज ये कहा गया कि 267 नहीं 328 पावन सरूप घट पाए गए ने। ये जांच रिपोर्ट के सामने आया स्टोर लैजर के पावन सरूप ठीक ढंग मेनटेन नहीं किए गए, ये भी जिहड़ा है इस दे विच सामने आया। वेस्टिंग अंगां लई दित्ते वाधू अंगां तों अणअधिकारित तरीके दे नाल पावन सरूप तैयार कराए गए सन, बेहद गंभीर मामला है। तो लैजर जिहड़े ने उन्हां दे नाल छेड़छाड़ करके वड्डी बेईमानी की गल सामने आई है। तो एस जी पी सी नूं इह हुकम दे दित्ते गए ने श्री अकाल तख्त साहब दे वल्लों एक हफ्ते दे अंदर अंदर दोषी कर्मचारियों ते कार्रवाई की जाए। पंच सिंह साहिबाना की एकत्रता दे विच इह सारे सख्त फैसले लए गए ने। रामसर साहिब विखे पब्लीकेशन विभाग के 267 स्तूप स्टाक के घट होने संबंधी शिकायत की पड़ताल लई एक पड़तालिया कमिशन बनाया गया सी। उहदी रिपोर्ट आई है ते रिपोर्ट विच लिखा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्तूप स्टोर लैजर के ठीक ढंग के नाल मेनटेन नहीं किए गए सन। ओपन अते क्लोजिंग लैजर वार वार कटिंग अते छेड़छाड़ की गई। साल 2013-14 और 14-15 दीयां लैजरां नूं चैक करन ते पाया ते प्रेस ते पब्लीकेशन विभाग दीयां लैजरां विच 18-8-2015 नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 267 सरूप नहीं सगों 328 पावन सरूप जिहड़े सन उह घट सन। इस तों अलावा पब्लीकेशन विभाग वल्लों जारी कीते वेस्टिंग अंगां लई दित्ते वाधी अंगां तों अणअधिकारित तरीके दे नाल कुछ पावन सरूप तैयार करवा के बिना बिल कटिया संगतां नूं दित्ते गए। एक बार 61 सरूप तैयार करवाए गए ते एक बार 125 पावन सरूप अणअधिकारित तौर ते वधेरे अंगां तों तैयार जिहड़े आ उह करवाए गए। मिति 28-8-2015 तों 31-5-2020 तक श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों कीती चैकिंग अनुसार मौजूदा समय विच स्टोर लैजर दे विचों 267 सरूप घट सन। इस समय दौरान बिलों के टुचा विच भी काफ़ी अंतर पाया गया है। लैजरां दे नाल छेड़छाड़ दे मामले भी सामने आए हैं और सब तो वड्डी गल कि 2016 तो हुण तक ऑडिट जिहड़ा है वह नहीं करवाया गया। इस तरह यह बहुत वड्डी बेईमानी ते अनगहली जिहड़ी है वह साबित हुई है। पंच सिंह साहिबान वल्लों इस रिपोर्ट नूं विचारन उपरंत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश दिता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शॉर्ट नोटिस ते अंतरंग कमेटी की मीटिंग बुला के रिपोर्ट विच दोषी पाए गए कर्मचारियों अधिकारियों खिलाफ़ बनती कार्रवाई जिहड़ी है सख्त तो सख्त की जाए। इस तरह ही मिति 19-5-2016 गुरद्वारा श्री रामसर साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सरूप अग्न भेट होने 2016 की समुची अंतरंग कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उस वेले के चीफ सकत्र ने कोई पश्चाताप जिहड़ा है वह नहीं किया।
इस लई समुची अंतरंग कमेटी अते चीफ सकत्तर पंच सिंह साहिबान की अगली एकत्रता 18 सितंबर नूं सवेरे 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब विखे जिहड़ा है वह निजी तौर दे उत्ते पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देण। भाई रणजीत सिंह ढंडरियां वाले वल्लों बोले कथना के संबंध में पड़ताल लई बनाई विद्वानां दी सब कमेटी की रिपोर्ट पुजी है, जिस तों साबित होया कि इसने गुरमत प्रति कुछ गलत बयानियां कीतियां हन अते इन्हां कथना संबंधी स्पष्टीकरण देण तों भी इनकारी होया है। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंच सिंह साहिबान की कतरता विच विचार करन उपरंत फैसला होया कि गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नूं समर्पित ते परंपरावां की राखी लई वचनबद्ध देश विदेश दीआं सिख संगतां संस्थावां ते गुरद्वारा प्रबंधकां नूं आदेश किया जाता है कि जिन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहिब ते अपनियां गलती बयानियां लई पेश होकर माफ़ी नहीं मंगदा उन्ना चीर इसके समागम जिहड़े है वह गुरद्वारे साहिबान दे विच ना करवाए जाण। जेकर कोई समागम करवाउंदा है तो वह अणसुखावीं घटना लई खुद जिम्मेवार होवेगा, ना इस नूं सुनिया जावे ते ना ही इस दीआं वीडियो आदि अगे शेयर कीतियां जाण। जे अजे भी बाज ना आया तो इस पर सख्त तो सख्त कार्रवाई जी की जाएगी।